जाल बनाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने शागिर्द अपना गुल अंसारी की छत पर आए हैं, आपको शो करवा रहे हैं। इनके कबूतर जो है वो, ये देखो ये बड़ा भाई है, ये लड़ेगा, जो है वो मशहूर है। कबूतर दिखाओ सबसे पुराना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जो गुल के जीथ्री जीथ्री कबूतरों का शो करवाऊंगा आपको, इनको कबूतरों का जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एजाज भाई कैसे हैं आप जी? उस्ताद जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसे लगे गुल के कबूतर? गुल के कबूतर माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बहुत पुरानी नस्लें इनके पास पड़ी हुई हैं। अच्छा, और माशाल्लाह शौक ही है, बहुत अच्छे कबूतर हैं भाई ने, मेहनत भी काफ़ी की हुई है, अच्छे कबूतर हैं इनके पास, बहुत बहुत पुराने। दिखाएँ वो सफ़ेद कबूतरी जो आप कह रहे थे, इसकी आँख जो है ना खत्म हो गई है। ये गुल कैसे हैं आप भाई? बिल्कुल ठीक ठाक उस्ताद जी। ये वाइट गोल्ड दिखाएं, बहुत ही पुरानी नस्ल है और असल में ये है इंडिया के ब्रीड है। कुछ लोग इनको, जिनको नहीं भी पता, वो पटियाले भी कह देते हैं, मगर दिखाएं ये जॉनसन वाले सफेद जो हैं, इसकी आंख को फोकस करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। अच्छा, ये बहुत पुरानी नस्ल है। अच्छा, एजाज भाई आपको मतलब कैसे पता कि ये वो है ब्रीडे के जो है अपना? इस गर्मियों में गुल से अगर मैं पूछूं कि इनके इनका रिजल्ट क्या है गर्मी में यहाँ पर? कम गर्मी में बहुत अच्छा रिजल्ट इनका, 4-5 बजे का रिजल्ट है। अच्छा, इनकी माँ सबकी सफेद, वो दिखाएं जो सबसे पुरानी। ये एक मिनट, ये सफेद पकड़े जी। वालेकुम सलाम, मेरा भाई नदीम कैसे है आप? अब्दुल वाहिद नगारी साहब बड़ी मेहरबानी, वालेकुम सलाम। सबकी माँ ये जी, ये सबकी माँ का शो करवा रहे हैं, ये कबूतरों की भाई तो ये उन कबूतरों की नाई शो करवा रहा है। नदीम देख रहे हो ना, नदीम सलाम कह रहा है, डीजी खान वाला अब्दुल वहाब लगारी साहब, मेरा भाई मेरा जानी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, देखें कबूतरों का शौक। ये जी, हाँ जी एजाज भाई जी, जी ये गुल भाई की मादी है, कह रहे बहुत उड़ी हुई है, इसका लास्ट टाइम जो है 6:20 पे बैठी हुई है शाम जी, जी। 50 से 54 सेंटीग्रेड में बैठी थी जी। सलेमा चदर साहब और शिराज भाई सलाम कह रहे हैं एजाज भाई आपको जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम शिराज भाई, एजाज की तरफ से सब दोस्तों को जो वाच कर रहे हैं सबको सलाम। ये कबूतर देख रहे जी थ्री, इन कबूतरों का जी ये कलेजी आँख है, ये आप देखें, और बहुत ही कम कबूतरों का ऐसा होता है कि उनकी आँख जो सफेद कबूतरी पुरानी। वालेकुम सलाम मेरा नदीम भाई, शुक्र अल्लाह पाक का। ये सब वाइट कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके जो पुरानी ब्रीड है जो क्या बोलते हैं, ये देखें ये कितने साल पुरानी है, ये कम से कम इसकी एज 25 तो होगी। ये तकरीबन 20 साल पुरानी मादा है, चेक करें और अपनी असल हालत में जिनके पास आई थी, जहाँ से इन्होंने सारे सफेद बनाए हैं। अभी तो इसांग के कबूतर सफेद जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये खत्म हो गए, बड़ी कबूतरी है ना सारी, खत्म हो गई। जॉनसन वाली, दो पट्टियां जॉनसन वाली अभी निकाली, नीलिया हां फिर निकली है ना सर। माशाल्लाह, दिखाएं जी, दिखाएं के, हां जी वो भी दिखा, ये देखें ये इसकी आंख खत्म हो गई, ये नीली आंख के बच्चे फुल मार दी थी, पूरी नीली आंख है, अभी भी अंडा दे तो ये नीली आंख ही मारेगी। सही है, नीली आंख इनके, इसकी कितनी उम्र होगी? इसकी भी समझो 17-18 साल तो होगी इसकी भी, 17-18। ये कबूतर सफेद कितने अरसे से आप, 25 साल से आपके पास हैं जी? जी, मगर ये उड़ाते नहीं है आप? उड़ाते नहीं, सिर्फ इनकी ब्रीड करवाते हैं बस, ये ब्रीड भी खत्म हो गई है ऐसा समझो। अच्छा अच्छा, शौक है ऐसे रखने का, या रखने का माशाल्लाह। अली अवान जल्दी पहुंचो आपकी तरफ, वो हमने गोगी भाई को भेजा है, आ रहे हैं आपको 4-5। अच्छा, इनके कबूतरों का मैं आप दिखाऊं, आ जाओ गुल, और ये देखें जी सब दोस्त यहाँ पर शो करने आए गुल भाई का, तो अभी गुल भाई को बोले जालों में डालें सारे, जालों में डालो भाई, बाहर निकालो,
शौक करवाएं आपको ना। ये बड़ी बड़ी जार यहाँ पर आपको नजर आएंगी, बड़ी छतें यहाँ पर, ओल्ड सक्कर इसको कहा जाता है, हमारे सक्कर के ही इलाका है, इसको ओल्ड सक्कर कहा जाता है। ये देखिए जी, ये कुछ कबूतर बाहर भी खड़े हैं। नया सेटअप लगाया है जी अभी हमारे शागिर्द ने, सारे इधर से लेकर यहाँ पर था, ये नया जाल वगैरह माशाल्लाह। तो ये आप शौक करें जीथरी कबूतरों का, ये सारे जीथरी कबूतर हैं जी, ये देखें, ये देखें, वाले सलाम जुबेर भाई कैसे हैं? ये इनके परवाजी कबूतर हैं जो अभी मौसम गर्मा में अभी जो है वो उनकी तैयारी हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला इनकी बाजी में इतनी छत खुलेगी और टूर्नामेंटों में ये उड़ाते हैं हमारे शागिर्द, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आतिफ की सदा साहब, वालेकुम सलाम आतिफ, आपकी तरफ आ रहे हैं हम थोड़ी देर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी कामरान कैसे हैं भाई? शुक्रिया अल्लाह पाक। क्या देख रहे हैं आप? सर कबूतरी देख रहे हैं आपकी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का शौक हो रहा है जी, ये देखें अभी मरीज लेने के लिए जा रही है। शान अली शाह आप अपने उस्ताद की तरफ जा रहे हैं, उधर ही हम आ रहे हैं। पर कटे हुए उस्ताद, ये बोतल दे ना इसको, दो इसको भी दे। जोड़ों का शौक करें आप, माशाल्लाह। ये देखें वाइट जोड़ा, माशाल्लाह बहुत ही शानदार परवाजी कबूतर, बहुत ही परवाजी कबूतर माशाल्लाह। ये आपको दिखा रहा हूँ, इनका बहुत रिजल्टेड कबूतर है ये। आजाद आ रही है इस वजह से मैं दो मिनट के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें सलाम अलैका या सय्यदना हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदना हबीब अल्लाह।
इस वजह ये कबूतर जो है उड़ाने मतलब का है या अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एजाज भाई बहुत मेहरबानी आपने यहाँ पर शौक किया और दोस्तों के साथ मिले, कैसे लगे कबूतर गुल के? और माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत ही अच्छे कबूतर हैं और बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। काफ़ी दिनों से हमारे साथ हैं, शोध वगैरह करा रहे हैं और जगह पर जा रहे हैं।